हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में घर पे बैठे स्मूथनिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, सलून जैसी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है पार्ट ए, स्ट्रेटनिंग क्रीम का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ए लिया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बालों को थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हमें इसको अप्लाई करना है। आप चाहे ग्लव्स पहन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आप लॉन्ग टेल वाली कॉम यूज़ कीजिएगा ताकि आसानी से जो बाल हैं वो आप थोड़े थोड़े पोर्शन में ले सकें और पूरे बालों पर आपको अब क्रीम अप्लाई करनी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे फुली एंड तक रूट्स पे नहीं लगाना है। ऊपर से स्टार्ट करते हुए हमें नीचे तक क्रीम लगानी है, उसको अच्छे से साथ में साथ कॉम करते रहना है ताकि क्रीम जो है अच्छे से अप्लाई हो जाए बालों पे। स्ट्रेटनिंग क्रीम के पार्ट ए को अच्छे से बालों पे अप्लाई करना है और उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद 45 मिनट्स तक रखना है बालों पर और उसके बाद में वॉश कर लेना है। थोड़ी देर के बाद ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और इससे थोड़ी सी स्मेल भी आती है क्योंकि ये केमिकल है। आप इसको 45 मिनट्स या फिर 1 आवर तक रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको अच्छे से इसको वॉश करना है और बालों को एक ब्लो ड्रायर के साथ अच्छे से सुखा लेना है। यू कैन चेक द डिफरेंस कि बाल पहले से कुछ स्ट्रेट हो गए हैं और बालों पे आप शाइनिंग देख सकते हैं। सुखाने के बाद हमें एक स्ट्रेटनर मशीन के साथ बालों को स्ट्रेट करना है। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बालों को अच्छे से स्ट्रेट नहीं करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग अधूरी रह जाएगी, इसलिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से हेयर स्ट्रेटनर मशीन की हेल्प से आप बालों को सीधा कीजिए। जब सारे के सारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तभी हम अपना सेकंड स्टेप जो है वो यूज़ करेंगे, जो सेकंड पार्ट है क्रीम का वो लगाएंगे। इट विल टेक अराउंड 1 आवर, 1 घंटा बालों को लगेगा क्योंकि अच्छे से स्ट्रेट करना है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप मार्केट से कोई भी हेयर स्ट्रेटनर क्रीम ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी कॉस्टली लेते हैं, लेकिन जब भी आप कोई परचेज करें हेयर स्ट्रेटनर क्रीम तो आप ये ज़रूर देख लें कि वो कैसी है, उसकी क्या ब्रांड है और कितने देर तक आपके बाल जो हैं वो ठीक रहते हैं आफ्टर स्मूथनिंग। जो हमने यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर क्रीम यूज़ की है उसका प्राइस रेंज 2500 तक है। अगर किसी को बाय करनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी 1000 ml है, आप 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो रहे हैं और इन बालों की शाइनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी शाइन कर रहे हैं बाल और बहुत अच्छे से ये स्मूथनिंग होगी। जितना आप हेयर स्ट्रेटनर मशीन के साथ ये जो स्टेप क्लियर करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्मूथनिंग होगी। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रलाइजर। तो यहाँ पे प्रोएड्स ब्रांड की तरफ से आर्गन ऑयल और कैरेटीन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ न्यूट्रलाइजर है पार्ट बी। तो इसको अच्छे से बालों पे लगाना है। यू कैन फॉलो दी स्टेप्स, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। यू कैन यूज़ योर हैंड्स और यू कैन यूज़ योर ब्रश। थोड़े थोड़े बाल लेते हुए अच्छे से न्यूट्रलाइजर क्रीम को अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हुए एंड तक आपको ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से अप्लाई करना है और ध्यान रहे कि रूट्स पे टच मत कीजिएगा, नहीं तो आपके बाल जल्दी से जड़ जाएंगे। हेयर स्मूथनिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और जब भी आप कोई भी क्रीम अप्लाई करें, स्टार्ट करने से पहले अच्छे से बालों को वॉश कर लें और ड्राई कर लें। वीडियो को अच्छे से देखकर स्टेप्स को फॉलो करके आप घर पे बैठे हुए स्मूथनिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स ताकि कोई भी अगर आपसे स्टेप छूट गया तो शायद आपकी स्मूथनिंग में कुछ कमी रह जाए। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो मुझसे भी कुछ स्टेप्स जो मैंने फॉलो नहीं किए थे तो मेरी स्मूथनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुई थी, तो टाइम भी वेस्ट हुआ और साथ में साथ जो क्रीम है वो भी वेस्ट हुई। तो आप वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा और स्टेप्स को फॉलो करके फिर ही आप ट्राई कीजिएगा। न्यूट्रलाइजर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको हमें अच्छे से, आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में, बालों पे हाथ की हेल्प से ऊपर से लेके एंड तक अप्लाई करें क्रीम को ताकि कोई भी बाल छूट ना जाए। और इसको हमें रखना है 10 to 15 minutes। अप्लाई करने के बाद एक कॉम्ब लें और अच्छे से इसको बालों को सीधा कर लें ताकि कोई भी बाल छूट ना जाए जिस पे क्रीम ना लगी हो। अभी हम इसको 10 टू 15 मिनट्स लगा रहने देंगे और उसके बाद अपने बालों को वॉश करेंगे। 10 टू 15 मिनट्स हो गए हैं, अभी हम इसको अच्छे से वॉश करके एक ब्लो ड्रायर की हेल्प से बालों को अच्छे से सुखा लेंगे। सो यू कैन चेक द डिफरेंस, आप बालों को थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं। पहले का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बाल जो थे वो कर्ली थे, अभी कितने अच्छी स्मूथनिंग हो गई है। बालों में बहुत ही शाइन है और अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। तो देखा आपने कितना आसान है घर पे बैठे हुए स्मूथनिंग करना। आप भी स्मूथनिंग कर सकते हैं घर पे बैठे हुए।
अगर किसी को कोई स्टेप का नहीं पता चले तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो मॉडल है वो बहुत ही हैप्पी है बिकॉज सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और घर पे कम पैसों के साथ ही अच्छे से स्मूथनिंग हो चुकी है। यू कैन सी आफ्टर स्मूथनिंग 2 दिन तक बालों को वॉश नहीं करना है, ना ही टाई करने हैं, ऐसे ओपन ही रखना है। उसके बाद आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जिसमें कैरेटीन हो, उसके साथ वॉश कीजिएगा। लोरियल ब्रांड के आते हैं, एक्सटेंसो जैसी गोल्ड में आता है, ब्लू में आता है, कोई भी आप ले सकते हैं। साथ में मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी जो स्मूथिंग है वो टिकी रहे। 1 ईयर तक आप अपने बालों को ऐसे निकाल सकते हैं अगर आप अच्छा शैम्पू और मास्क यूज़ करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।